नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं punjabkesari.com की स्पेशल स्टोरी। देश के सबसे बड़े आईपीओ यानी उस कंपनी का आईपीओ जो ये कहती है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मेरी इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ LIC कंपनी के बिग बैंग आईपीओ की, जिसका इन्वेस्टर्स महीनों से इंतजार कर रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले ही LIC बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी, जिसके बाद इस आईपीओ को लेकर सारी ऑफिशियल जानकारियां दी गई थी। इस आईपीओ के जरिए मोदी सरकार LIC से अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसका प्रयास भी कर रही है। सरकार इससे पहले इस आईपीओ में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचने वाली थी, लेकिन देश और दुनिया के बाजारों के अब जैसे हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए इसका साइज थोड़ा कम कर दिया गया था। अब LIC का 21,000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ 4 मई को खुलेगा और 9 मई को बंद होगा। इस आईपीओ के लिए 902 रुपए से लेकर 949 रुपए तक का एक प्राइस बैंड फिक्स किया गया है। पॉलिसी होल्डर्स और स्पेशल कैटेगरी के लिए अलग अलग तरह के डिस्काउंट्स हैं, वो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। एक स्पेशल जानकारी और है कि ये अभी तक का भारत का यानी शेयर मार्केट का, भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा बिग बैंग आईपीओ होगा। यानी इससे पहले जितने भी आईपीओज आए हैं वो भारतीय शेयर बाजार में, वो इससे कम ही थे। तो चलिए अब आपको उन सभी आईपीओज के बारे में बताते हैं जो इस LIC के बिग बैंग आईपीओ से थोड़ा सा कम। इसमें सबसे पहले नंबर आता है पेटीएम के आईपीओ का। LIC के आईपीओ से आने से पहले देश के सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड एक फिनटेक प्लेटफॉर्म पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के नाम पे दर्ज था। यह आईपीओ पिछले साल नवंबर में आया था, यानी 2021 में। इसका टोटल साइज लगभग 18,300 करोड़ रुपए के आसपास था। हालांकि इस आईपीओ को इन्वेस्टर्स का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था और पेटीएम का स्टॉक आईपीओ के इश्यू प्राइस यानी 2,150 रुपए की तुलना में 9% यानी 9% के डिस्काउंट के साथ 1,955 रुपए पर शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। दूसरे नंबर पर आता है कोल इंडिया का आईपीओ। पेटीएम के बाजार में उतरने से पहले तक सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड कोल इंडिया का ही था। कोल इंडिया का आईपीओ 2010 में आया था और कोल इंडिया ने तब आईपीओ के जरिए बाजार से पूरे 15,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। इस आईपीओ को इन्वेस्टर्स का भी सपोर्ट मिला था। कोल इंडिया का स्टॉक बाजार में 245 रुपए के इशू प्राइस की तुलना में 17% प्रीमियम यानी 17% प्रॉफिट के साथ 2,088 रुपए पर मार्केट में लिस्ट हुआ था। तीसरे नंबर पर आता है रिलायंस पावर का आईपीओ। अनिल अंबानी का कारोबारी साम्राज्य अभी भले ही कोलैप्स हो चुका हो, लेकिन दशक भर पहले उनका भी जलवा था। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड फरवरी 2008 में आईपीओ को लेकर आई थी और इस आईपीओ का साइज लगभग 11,583 करोड़ रुपए के करीब था। आईपीओ के बाद कंपनी का स्टॉक 22% प्रीमियम के साथ यानी 22% डिस्काउंट के साथ 548 रुपए पर लिस्ट हुआ था। लगभग इसका इश्यू प्राइस था 450। चौथी कंपनी आती है GIC IPO। इस सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में भी गिनती इसकी देश के सबसे बड़ा आईपीओज में होती है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GIC इंडिया का आईपीओ अक्टूबर 2017 में आया था। इसके आईपीओ का साइज लगभग 11,186 करोड़ रुपए का था। GIC इंडिया का स्टॉक प्राइस में 912 रुपए इशू के साथ इसके इशू प्राइस की तुलना में 7% डिस्काउंट के साथ यानी घाटे के साथ 850 रुपए पर मार्केट में लिस्ट हुआ था। पांचवें नंबर पर आते हैं SBI कार्ड का आईपीओ। देश के सबसे बड़े बैंक SBI की सब्सिडरी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक कुछ साल पहले ही बाजार में लिस्ट हुआ था। कंपनी मार्च 2020 में 10,355 करोड़ रुपए लेकर आईपीओ को लेकर आई थी और इस आईपीओ में इश्यू प्राइस 755 रुपए तय किया गया था, लेकिन शेयर बाजार में 13% के नुकसान के साथ 658 रुपए पर यह लिस्ट हुआ था। छठे नंबर पर आता है द न्यू इंडिया एश्योरेंस आईपीओ। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इस कंपनी का आईपीओ नवंबर 2017 में आया था और इसका साइज लगभग 9,600 करोड़ रुपए के आसपास का था।
इसका आईपीओ को भी इन्वेस्टर्स की बेरुखी का थोड़ा सामना करना पड़ा था और इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई थी। स्टॉक मार्केट में इसका शेयर प्राइस 800 रुपए के इशू प्राइस की तुलना में 6% डिस्काउंट के साथ 749 रुपए पर लिस्ट हुआ था। सातवें नंबर पर आता है हाल ही में आए जोमैटो का आईपीओ। पिछले साल शेयर मार्केट के बुल रन के फायदा उठाने के लिए कई कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आई थी। इनमें फूड डिलीवरी जॉइंट यानी कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो का नाम भी अहम था। जोमैटो का आईपीओ पिछले साल जुलाई महीने में आया था और इसका साइज लगभग 9375 करोड़ रुपए के आसपास का था। बाद में भले ही मार्केट में इसका परफॉर्मेंस ठीक ना रहा हो, लेकिन इसकी लिस्टिंग बंपर हुई थी और लोगों ने फायदा भी उठाया था। जोमैटो का स्टॉक 76 रुपए के इशू प्राइस की तुलना में शानदार 51% प्रॉफिट यानी प्रीमियम के साथ 115 रुपए पर मार्केट में लिस्ट हुआ था। आठवें नंबर पर आता है डीएलएफ का आईपीओ। इस रियल एस्टेट कंपनी के आईपीओ का साइज लगभग 9188 करोड़ रुपए का था। डीएलएफ लिमिटेड जुलाई 2007 में आईपीओ को लेकर आई थी और इस आईपीओ के आने के बाद से डीएलएफ का स्टॉक बाजार में 11% प्रीमियम के साथ यानी कि 5582 रुपए पर लिस्ट हुआ था, जबकि इसका इशू प्राइस था 525 रुपए। नौवे और आखिरी नंबर पर आता है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का आईपीओ। म्यूचुअल फंड कंपनी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ नवंबर 2017 में आया था, जिसका साइज लगभग 8695 करोड़ रुपए का था। इस आईपीओ का इश्यू प्राइस 290 रुपए का था और इसके बाद एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक 7% के फायदे के साथ यानी 7% के प्रीमियम के साथ 311 रुपए पर लिस्ट हुआ था। तो अभी तक के ये थे LIC के पहले आने वाले बिग बैंग आईपीओ, जिनका साइज भले ही बहुत ज्यादा रहा हो, इनमें से कुछ को नुकसान भी हुआ है, कुछ का फायदा भी हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 21,000 करोड़ रुपए का LIC का जो बिग बैंग आईपीओ रहा है, उससे इन्वेस्टर्स को, चाहे वो रिटेल हो या FII हो या फिर DII हो या फिर एंकर इन्वेस्टर्स हो, उनको क्या फायदा होता है और सरकार का जो ये एक डिस इन्वेस्टमेंट का प्रयास है, उसमें क्या वो सफल हो पाती है या नहीं। इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।